दिन बहुत ही अच्छा जाने वाला है। ओह, मुझे थोड़ा आराम की जरूरत है। मुझे सोने की तैयारी करनी चाहिए। अगस्त्य, तुम उठ गए? मैं अभी अंदर जाने ही वाला था। मैं बहुत थक चुका हूँ, मुझे आराम की जरूरत है। और इस बार काम करते हुए मैंने एक गजब की चीज ढूंढी है। सच में? क्या आप हमें बता सकते हो? नहीं सिम्बा, मैं अभी उसके बारे में नहीं बता सकता। अभी कुछ प्रयोग करने बाकी है और जब वो पूरे हो जाएंगे तो दुनिया बदल सकती है। मुझे जब लगेगा कि वो सब तैयार है मैं बता दूंगा। कुछ तो इशारा दीजिए, हम अंदाजा लगाने की कोशिश करेंगे। अभी ऐसा कुछ नहीं करने वाला, भूल जाओ। मैं अभी कुछ नहीं बताने वाला, तुम लोग जाओ। कब तक तैयार हो जाएगा? वो तो समय ही बताएगा। ओह चलो चल के खेलते हैं। हाँ वैसे भी ये उस चीज के बारे में तो बताने लगे। जैसे ये काम पूरा हो जाएगा विज्ञान की दुनिया में मेरा नाम हो जाएगा। तुम बहुत जिद्दी हो अगस्त्या। मैं थका हुआ हूँ। कम से कम एक इशारा तो दो। अरे ये दोनों, चलो शांति तो हुई। क्या तुम्हें कोई गंध आ रही है? क्या? खरगोश की, वो यही गई है। ओहो, तुम उसे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते? आज तो मैं उसे पकड़ के ही रहूंगा। हाँ, मुझे पता था। भागो खरगोश भागो। तुम्हारे पास मुझे पकड़ने जितना दिमाग नहीं। आज तुम सिर्फ बकशॉट की वजह से बचे हो। उसे मेरी तरफ से शुक्रिया बोलना। मैं तुम्हें पकड़ के ही रहूंगा। तुम्हें इस तरह मेरे रास्ते में आने का कोई हक नहीं है। हट जाओ वरना तुम बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हो। सिम्बा, तुम्हें मजाक समझ नहीं आता क्या? तुम ये सब करके बच नहीं सकते। बचाओ बचाओ मुझे, सिम्बा मेरे पीछे पड़ा हुआ है, मुझे तुम लोगों की मदद चाहिए। बचाना है सिम्बा से, बचाना है छोटा शेर उसे
में है, दोस्त को मनाना है। तुम ये सब ठीक नहीं कर रहे। बक्षार को बचाना है, बक्षार से बचाना है, सिम्बा से बचाना है, छोटा शेडो से में है, दोस्त को मनाना है। तुम अभी भी गुस्सा हो मुझसे? अच्छा माफ कर दो, छोड़ो। सिम्बा तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा था? क्योंकि मैंने खरगोश को भगा दिया था। ये सही बोल रहा है। सिम्बा के पकड़ने से पहले? बिल्कुल। सिम्बा, क्या तुम हमें खरगोश दिखा सकते हो? ठीक है, पर सिर्फ मैं उसे पकड़ूंगा। लग रहा है जैसे वो जल रहा है, धुआं आ रहा है। हमें वहाँ चल के देखना चाहिए। हाँ चलो। ऑगस्टीन, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? ऑगस्टीन, मेरी बात सुनो, क्या तुम अंदर हो? ऑगस्टीन, यहाँ बहुत धुआं है, मैं अंदर नहीं जा सकती। मुझे किसी की मदद लानी होगी। काश कि वो ठीक हो। फॉर्मूला बच गया। मैं अभी भी काम कर सकता हूँ, मैं प्रयोग कर सकता हूँ। फॉर्मूला बच गया। क्या बात है, खुशी की बात है। सुनो, मेरा फॉर्मूला बच गया। ऑगस्टीन, क्या ये तुम हो? हाँ, ये मैं ही हूँ। मेरी खोज को कुछ नहीं हुआ। क्या कुछ खराब हो गया था ऑगस्टीन? हो सकता था, पर सबसे जरूरी यही है। अब सीधे रहो, मुझे दवा लगाने दो। ठीक है, देख लो, पर जरा जल्दी करना। क्या मुझे नहीं है, लेकिन क्या वो बच जाएगा? हाँ बिल्कुल, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। मैं चलती हूँ, तुम्हें और कुछ तो नहीं चाहिए? मुझे जो चाहिए था वो मेरे पास है। बताओ तू, आखिर इसमें है क्या? अभी तक तो ये एक राज है, ये बहुत ही नायाब प्रयोग है मेरा। लगता है इस प्रयोग से तुम बहुत ही खुश हो। ये। क्या आपके प्रयोग की वजह से ये धमाका हुआ? नहीं, दरअसल वो एक अलग प्रयोग की वजह से हुआ। आपके हाथ में क्या है? हाँ, ये मेरा बहुत ही खास फार्मूला है, ये सच में बेमिसाल है। मुझे शेर खान को जाकर बताना चाहिए। क्या तुम्हें यकीन है कि ये धमाका नहीं करेगा? अब क्या हुआ तबाकी? माफ कीजिए हुजूर, क्या मैंने आपको जगा दिया? बिल्कुल, तुमने मुझे उठा दिया, लेकिन लगता है कि कोई जरूरी बात है, बोलो। मुझे ऐसा लगता है कि अगस्त्या ने कोई नई खोज की है। हमको उसके बारे में भी पता करना पड़ेगा, क्या है वो? मुझे नहीं पता, लेकिन अगर मैं उसको पास गया तो मुझे मार देगा। बंदरों को ढूंढो और अगस्त्या की खोज को मेरे पास लेकर आओ।
जी जी हुजूर, अभी क्या अभी मुझे लगता है कि एलेक्स मरीजों की सेवा करने जा चुकी है। मोटू उठ जाओ, आलसी मत बनो, जल्दी करो। क्या तुम खजाना ढूंढना नहीं चाहते? मैं थका हुआ हूँ, सो जाओ वापस। पर मैं तो जब भी आंखें बंद करता हूँ मुझे खजाना दिखता है। आखिरकार हम अमीर हो गए। कैसे, क्या तुम्हें खजाना मिला है? मतलब वो एक सपना था। अगर से बहुत कुछ छिपाते हैं उन्हें बुरा लग जाएगा, वरना मैं उनके प्रयोगशाला में अभी चला जाता। फिर हमें पता चल जाएगा कि वो किस चीज की खोज कर रहा है। वाह, क्या ख्याल आया है। अगस्त कुछ छुपा रहा है, वो भी अपने प्रयोगशाला में। शायद उसको हीरे या सोना मिल गया होगा। वो तो सबको पता है। चलो अब हमको जाना ही पड़ेगा। आखिर मैंने वो फार्मूला ढूंढ ही लिया, गायब होने वाला फार्मूला। दादाजी ने पूरा जीवन लगा दिया इसे ढूंढने में और मैंने उनका सपना पूरा कर दिया। इसको कहीं संभाल कर रख देता हूँ, देखता हूँ कौन सी जगह इसके लिए सही रहेगी। पतलू क्या चल रहा है? वो सोने जा रहा है और सोने से पहले उसने कुछ छुपाया था। तो क्या देखा तुमने? कुछ ऐसा तो नहीं जो हमें अमीर बना दे? उसने दो सुंदर सी बोतल छिपाई हैं। जब वो सो जाएगा तो हम जाके उसे ले आएंगे। ठीक है, चलो मेरे पीछे। उसकी खोज को चुरा लो और शेर खान के पास ले आओ। छुप कर जाना नहीं है, इसलिए तुमको बोलना आसान लग रहा है। सब पता चल जाएगा। लेकिन हमें लाना क्या है? जो बोतल भरी हुई हो उसको ले आओ। मुझे ऐसा करना पसंद नहीं। अगर तुम लोग मेरी बात नहीं सुनना चाहते हो तो कोई बात नहीं, शेर खान को जाकर कह दो कि हम नहीं करेंगे। चलो चलते हैं। जाओ, हम जाते हैं। आखिर कब तक सोने वाला है ये? चलो उठ तो गया। ये काम सही हुआ। रात के सूप के लिए कुछ जड़ी बूटियां ले आता हूँ। रास्ता साफ है, अब मैं निकल जाता हूँ। चलो चलते हैं। अब वो चला गया। चलो तुम दरवाजे पे पहरा दो, मैं ढूंढता हूँ। इन छोटे छोटे पिद्दियों ने हमसे पहले खजाना ढूंढ लिया है। हम उनका इंतजार यहीं करते हैं। सही कहा, उनको सारे काम करने देते हैं फिर हम उनको पकड़ लेंगे। जल्दी करो मोटू, अगर हम पकड़े गए तो फिर हम फंस जाएंगे। इसके पास तो बहुत सारी किताबें हैं। मोटू ये समय नहीं है किताबें पढ़ने का, समझ गए तुम? शायद यहाँ पर है, नहीं वहाँ पर, शायद यहाँ भी नहीं। मुझे ही तुम्हें दरवाजे पर खड़ा करना चाहिए था। अंदर क्या हो रहा है कुछ पता नहीं चल रहा, पर कुछ तो डरावना है अंदर। आखिरकार लगता है वहाँ छिपाया होगा। मोटू क्या तुम्हें खजाना मिला, बोलो। नहीं, उसका रंग देखो। क्या क्या मिल गया है तुम्हें? इसकी खुशबू अच्छी है।
इंतजार की हद हो गई, अब चलो चलते हैं। मोटू इतना समय क्यों लगा रहे हो? क्या किया तुमने? मुझे प्यास लगी थी। क्या तुम पागल हो गए हो? तुम कुछ भी नहीं पी सकते जबकि तुम्हें पता नहीं वो क्या चीज है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे काफी हल्का महसूस होने लगा। भूत भूत लो, क्या बात है? बचाओ, वो गायब हो गया, वो गायब हो गया। अरे पतलू क्या बोल रहे हो? मैं तो तुम्हें हो क्या गया है पतलू? तुम ऐसे मुझे भी नहीं मुझे हाथ मत लगाना, मैं भी गायब हो सकता हूँ। चलो जल्दी करो, क्या ये तुम ही हो? हाँ, ये भी कैसे बेवकूफी वाला सवाल है। और कौन है जंगल में जो लाल और सफेद रंग की कमीज पहनता है? वो क्या है ना कि मैंने अपने दोस्त को कभी गायब होते हुए नहीं देखा। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारा यकीन कर लूंगा, भरोसा कर लूंगा? वो भूत है, वो बाहर आया और बात कर रहा क्या था। तुम लोग उसकी प्रयोगशाला गए? मुझे पता है कि ये अगस्त की कोई चाल है, पर शेर खान इस पर भरोसा नहीं करेगा, समझे? चलो चलते हैं, मैं पहले जाऊंगा। मैं पहरा देता हूं। ये क्या है? ए, मुझे भी चाहिए। स्वादिष्ट है। बचाओ, हम नीचे नहीं आ पा रहे, ऊपर अटक गए हैं, नीचे उतारो। सब बर्बाद कर दिया। जोर की आवाज आई और बहुत धुआं भी था उसके पेड़ से। क्या पहले भी ऐसा हुआ है कभी? हाँ, काफी बार हुआ है। पिछली बार पूछ जल गई थी उसकी। क्या हम देख सकते हैं बकीरा? मुझे लगता है अगस्त्या को खुशी होगी ये बताने में कि कैसे हुआ। अगस्त्या, कोई आ रहा है। अगस्त्या कैसे हो? बहुत दुखी हूँ, कोई मेरी प्रयोगशाला में आया और मेरी खोज लेकर चला गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। तुम्हें पता है कौन थे? मेरे ख्याल से बंदर थे। हमें पता है उनको कैसे पकड़ना है, हम तुम्हारी चीजें वापस लेकर आएंगे। ये जरूर तबाकी होगा, मैंने उसे धमाके के समय यहीं आसपास देखा था। अभी ही सबको सूचित कर देंगे। हाँ, क्या तुम ये काम कर सकते हो? हाँ क्यों नहीं। हाँ, हमें इतना पता है कि वो गायब करने वाली दवा है। हाँ, पर मैंने सारी पी ली, अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा कमाने के लिए। हमें वापस जाकर उसको बताना चाहिए।
मोटू और पतलू। ये बहुत शर्मिंदगी की बात है। क्या माजरा है, क्या मैं कोई भूत देख रहा हूँ? ओह, अब ये जाके सबको बता देगा तुमने अगस्त्य की दवा पी ली है। अगर तुमने बताया होता कि क्या ढूंढना है तो मैं गायब ना होता। बस वो ज्यादा गुस्सा ना हो। हमें हमारी खोज बंद कर देनी चाहिए दोस्तों। हाँ, मैंने पतलू को अभी एक गायब हुए आदमी से चलते हुए देखा है। उसने मोटू के कपड़े पहने हुए थे और टोपी भी। लगता है मेरी दवा पीकर वो गायब हो गया है। ठीक कहा, वो यहीं आ रहे हैं अभी, मगर एक गायब है। माँ देखो एक भूत आ रहा है। नहीं पकड़ू, वो बस एक चोर था और मेरी खोज को चुरा कर ले गया। मुझे एक बार तुम्हारी जाँच करनी होगी। हाँ चलो देखते हैं। तुम्हें कैसे समझ में आएगा अगस्त्या, मैं तो गायब हूँ ना। वो चूहा, उसने ही चुराया होगा। हमें उससे इज्जत करने का एक पाठ पढ़ाना होगा। नहीं सिम्बा, उसको अपना सबक अपने आप ही समझ में आ जाएगा, क्योंकि मेरे पास इस फॉर्मूले का कोई तोड़ नहीं है। समझे? इसका मतलब मैं हमेशा के लिए गायब हो गया। तुम्हारे पास कोई इलाज नहीं है? कोई इलाज नहीं। तुमने मेरा प्रयोग करने के लिए मुझे समय ही नहीं दिया। अब तुम लोग फंस गए हो। ठीक है तवा की, उन सबको यहाँ से निकाल दो। मुझे वो चाहिए। वो कौन सी चीज है जिससे बंदर उड़ सकते हैं? बहुत ही आसान है। तुम अगस्त्य के प्रयोगशाला में जाओ और वो दवाई लेकर आओ, वरना मैं तुम्हें कैद कर दूंगा। क्या देखिए मेरी वो क्या, उन लोगों ने उस दवा को कहीं छुपा दिया होगा हुजूर, कहीं पर। तो जाकर ढूंढो उसे। मुझे वो जादुई दवाई चाहिए जिससे मैं सिम्बा को पकड़कर इस जंगल का राजा बन जाऊंगा। क्या आप गायब होने का फार्मूला चाह रहे हैं हुजूर? वो बंदर तुम्हारा सिर्फ मजाक उड़ा रहे थे। ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे कोई गायब हो जाए। लेकिन मैं अकेले ये काम कैसे कर पाऊंगा हुजूर? मेरा आदेश है ये तबाखी, जाओ। मैं सॉरी नहीं कहता। सबसे पहले तो वो गुलाबी हुआ। हाँ? और फिर नीला हुआ और फिर गायब हो गया। ये क्या कह रहे हो? अगस्त्या मजाक कर रहा था, शायद उसे सबक सिखाना चाहता था। मोटू, अब तो तुम दिखाई पड़ रहे हो मुझे। देखो मैं पहले जैसा हो गया। इस बार हुजूर का काम कर रहे हो, मजबूरी है। मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, ये डरावना है। जाने भी दो पूरी तरह। मुझे क्या हो रहा है? चलो अब हमें ये तो पता चल गया कि हमारी खोज का क्या हुआ। मैंने पूरी जिंदगी दूसरों की भलाई के लिए काम किया, लेकिन आज मुझे महसूस हो रहा है कि कुछ खोज दूसरों के लिए हानिकारक हो सकती है। पर आज मैंने कुछ ऐसा कर दिया जिससे मेरा फार्मूला गलत हाथों में नहीं जा सकता। ये एक गोपनीय प्रयोग है मोटू, ये तो हमारे खजाने को जला रहा है। हाँ, कोई बात नहीं। ऐसे पेड़ पर लटका हुआ मेहमान जो शेर खान के लिए कुछ चुराने आया था, अब नहीं चुरा पाएगा। आज हमने देखा कि अगस्त्य जैसे बुजुर्गवार ने भी कुछ नया सीखा। मोटू पतलू को अभी भी अपना खजाना ढूंढना है, और तबाकी अगर वो अपनी हद में रहेगा तो अच्छा होगा। देखिए अगले एपिसोड में कि सिम्बा और उसके दोस्त कौन से नए सफर